संपूर्ण क्रांति मंच से जुड़े जेपी सेनानियों की बैठक दानापुर स्थित जूडो कार्यालय में रविवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता मनेर विधानसभा के पूर्व विधायक सह संपूर्ण क्रांति मंच के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यदेव त्यागी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सूर्यदेव त्यागी ने बताया कि जेपी आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों की विभिन्न समस्याओं को पेंशन पर विचार विमर्श किया गया एवं सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार के रवैये के कारण हम लोगों की मांग समय पर पूरी नहीं हो रही है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। बैठक में राजगीर प्रसाद, सतीश कुमार उर्फ चंदन, बलराम सिंह सहित अन्य जिलों से आए लोग मौजूद रहे। बैठक हो रही है, प्रत्येक जिला से एक दो साथी हमारे आए हुए हैं और हम लोगों ने सरकार से जरूर चाहा था कि गजट के हिसाब से सरकार हम लोगों को मदद करे। गजट में प्रावधान है कि जेपी सेनानियों को भी सम्मानजनक सुविधाएं दी जाए। सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने जो निर्णय किया, राज्यपाल के दस्तखत से गजट का प्रकाशन होता है, तो इसमें राज्यपाल को बेइज्जती की सरकार ने। राज्यपाल को इन्होंने रॉक बॉक्स में डाल दिया, उनके सिग्नेचर से सब कुछ हुआ। अब तो सरकार अद्भुत आदमी है, कहा और काम नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करें। हम लोग बूढ़े सेनानी है, सबकी उम्र 65 साल, 70 साल, 90 साल हो रहा है। आज ना कल ये जाने वाले ये दुर्लभ प्राणी रहेंगे नहीं, लेकिन भाई नीतीश जी और मोदी जी ऊपर वाली सरकार से, नीचे वाली सरकार से हमारी मांग है गजट के मुताबिक हमको सम्मानजनक सुविधा दे और नहीं तो गद्दी छोड़े। हम लोगों ने भी एनडीए सरकार को बड़ी मदद की थी, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में। नीतीश जी को मैं बधाई देता हूँ एक मामले में कि उन्होंने 3300 लोगों को पेंशन दिया, लेकिन हजारों आज फाइल सरकार के यहाँ पड़ा हुआ है। सरकार कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। सरकार बीजेपी या जदयू के लंघी मार में हम लोग फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि सरकार शीघ्र हमारी समस्याओं का निष्पादन करे। हार पछता के मरता क्या नहीं करता। हम लोग कोर्ट के शरण में गए हैं, अब कोर्ट के शरण में अपनी बात हम लोग रख रहे हैं, बढ़िया वकील लगे हैं। हो सकता है कि हमारे पक्ष में कुछ सरकार मैंने कोर्ट निर्णय करे, ये सब मामला है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा परिचय है सूर्यदेव त्यागी, पूर्व विधायक, अध्यक्ष संपूर्ण क्रांति मंच बिहार।